हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। बेसिकली आप लोग को पता है कि Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च होने वाली है और यहाँ पे इस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है। अभिषेक यादव ने ट्वीट करके बताया कि ये स्मार्टफोन 25 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है। बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है हम लोग को इंडिया में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इस स्मार्टफोन के नेमिंग में थोड़ा चेंजेस होगा। Xiaomi 12i सीरीज के नाम से देखने को मिलेगी, मतलब कि लास्ट ईयर लॉन्च Xiaomi 11i का सक्सेसर होने वाली है। देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 210 वाट तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही ये यहाँ पे 100% लेटेस्ट डायमेंसिटी 1080 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ काफी न्यू अपडेट्स एंड अपग्रेड देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इस स्मार्टफोन के लेके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो मेक श्योर न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले आपको तो रीजन बताता हूँ कि Redmi 12 सीरीज इंडिया में Xiaomi 12i सीरीज के नाम से क्यों देखने को मिलेगी। बेसिकली बात यह है कि चाइना में लास्ट ईयर Redmi Note 11 सीरीज को लॉन्च किया गया था, जो कि कुछ टाइम बाद इंडिया में ब्रांड होकर Xiaomi 11i सीरीज के नाम से लॉन्च करा गया था, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो थोड़े हाईर प्राइस में मिलने वाले स्पेसिफिकेशन थे, जैसे कि 120 वाट वाली हाइपर चार्जिंग का सपोर्ट, Dimensity 920 वाली प्रोसेसर, Dolby Atoms एंड Dolby Vision जैसे सपोर्ट देखने को मिले थे और भी काफी सारी प्रीमियम स्पेसिफिकेशन ऐड करे थे। और ये जो सेम सीन है अपकमिंग Redmi Note 12 सीरीज के साथ होने वाली है। इसके अंदर भी आपको एक हाइपर चार्ज वाली वेरिएंट देखने को मिलेगी, जहां पे हम लोग को 210 वाट तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली यहां पे हम लोग को इस बार भी Xiaomi 12i सीरीज में 3 वेरिएंट देखने को मिलेगी एंड देखा जाए तो तीनों ही वेरिएंट यहाँ पे 5G के साथ देखने को मिलने वाला है। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि Redmi का Note 12 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Pro Plus दोनों में ही काफी हद तक सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 1080 वाला 5G प्रोसेसर होगा। ये जो प्रोसेसर है लास्ट ईयर जो लॉन्च किया गया था Dimensity 920 वाला प्रोसेसर, उसका ही एक सक्सेसर होने वाला है, जो कि आपको Xiaomi 11i सीरीज में देखने को मिला था। और इस वजह से यहाँ पे काफी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे GPU में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट किए गए हैं एंड ये जो प्रोसेसर है 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी में भी इफिशियंसी देखने को मिलने वाली है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन मेरे ओपिनियन से यहाँ पे आप लोग अच्छी खासी गेमिंग कर ही पाओगे, क्योंकि बजट सेगमेंट में Dimensity 920 भी एक अच्छा प्रोसेसर था, तो परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी मिलेगी। इसी के साथ डिस्प्ले भी यहाँ पे काफी सही होने वाली है। लीक के हिसाब से 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले होगी, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, साथ ही 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होने वाला है। और इस बार भी आपको Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो इसके चिन्स एंड बेजल्स है वो भी यहाँ पे काफी पतले देखने को मिल जाएंगे। तो नो डाउट यहाँ पे डिस्प्ले हमेशा की तरह बेस्ट होने वाली है। अब इन स्मार्टफोन में मिल जाने वाली बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात करें तो ये भी यहाँ पे लीक हो चुकी है, जहाँ पे मे बी तीनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। जहाँ पे Redmi Note 12 में 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो वहीं पे Redmi Note 12 Pro में 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे सबसे अलग Redmi Note 12 Pro Plus में 210 वाट तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक हाइपर चार्ज वाली वेरिएंट होने वाली है। तो बेसिकली Redmi Note 12 Pro Plus में यहाँ पे आपको अभी तक का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी डिजाइन आपको इस बार भी प्रीमियम देखने को मिलेगा, जैसे कि लास्ट ईयर Xiaomi 11i में देखने को मिली थी। ग्लास बिल्ड के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, इसी के साथ बॉक्सी टाइप डिजाइन था, फ्लैट एजेस देखने को मिले थे और इस बार भी यहाँ पे यही सीन होने वाली है। बाकी आपको ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, आयरन ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, हेडफोन जैक मिलेगा, टाइप सी सपोर्ट मिलेगा और इसी के साथ हमेशा की तरह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि Redmi ज्यादातर वही प्रोवाइड करता है। और रही बात प्राइसिंग की, लास्ट ईयर जो प्राइस रखा गया था Xiaomi 11i का, वही सेम प्राइस देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर किस प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया जाएगा और उसी से यहाँ पे इंडियन प्राइस का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना ही था आज के वीडियो में, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।